हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के अंदर हम एक न्यू ट्रिक्स लेके आए आपके सामने, जो कि आपके जॉब वर्क में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स, कई बार हमारे पास डेटा होता है, इसके कई सारे ट्रिक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पे नेम है और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, उसकी सैलरी ये है, राजन का सैलरी 20,000 है, अब्दुल का 30,000 है, मोहन का 34,000 है, ऐसे हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। तो कई बार हमारे बॉस, हमारे ऑनर हमसे ये पूछते हैं कि ये जो है राजन इधर आना चाहिए, अगर मैं ऐसे राजन लिखूंगा और यहाँ पे 20,000 लिखूंगा तो। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस बहुत रॉन्ग, बहुत लंबा पड़ेगा। मान लो हमारे पास हज़ारों डेटा है तो एक एक करके लिखने पे तो बहुत हमें दिक्कत होगी। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा फंक्शन हो ताकि इधर सिर्फ एम्प्लॉय नेम आ जाए और इधर सैलरी आ जाए। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कंट्रोल जी यूज़ करना होता है। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू में स्पेशल पे जाना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखो कांस्टेंट पे जाना है। कांस्टेंट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, खाली टैक्स लेना है। तो मैंने सबको हटा के मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैक्स को सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे टैक्स आ गया। तो देखिए ये पूरा एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे टैक्स का फंक्शन दे रखा है, तो इसको हमें पहले लेना नहीं होता। एक्चुअली ये टैक्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक हो कंट्रोल जी, पहले हम डेटा मैनेज करते हैं यहाँ से स्पेशल। दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने हटा के टैक्स ले लिया ओनली, तो टैक्स सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी स्पेशल कॉन्स्टेंट्स एंड सेलेक्ट ओनली टैक्स। ये देखिए टैक्स सेलेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली जहाँ पे आपको लेके आना है, मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट स्पेशल वैल्यू। देखिए हमारा पेस्ट हो गया, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा नेम वैल्यू हो गया। ठीक है, देखिए डेटा के यहाँ पे मैंने अभी कुछ लिखा नहीं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स लेके आना है, ये जो हमारा सैलरी है। तो सैलरी लेने के लिए ठीक कंट्रोल जी आप प्रेस करना, फिर स्पेशल पे जाना, फिर आप यहाँ पे देखना कॉन्स्टेंट्स पे जाके आपको अब क्या लेना है स्टूडेंट्स, नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर की संख्या में निकालना है। देखिए सारे नंबर सेलेक्ट हो गया। ठीक, मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर मैंने जहाँ पे लेके आना राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल पे जाके वैल्यू में लेके ओके कर दिया। देखिए डायरेक्टली भी वैल्यू होता है, फिर स्केप कर दीजिए, देखिए यहाँ का जो भी सिलेक्शन था हट जाएगा। तो इस तरीके से ये ऐसे आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख दिया और उसका सैलरी लिख दिया, तो आप देख सकते हो हमारा डेटा बड़े आसानी से यहाँ पे मैनेज हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी यहाँ से कर दिया ऐसे चेंज, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स हमारे पास ये डेटा आ गया। चाहे आपके पास कितने भी बड़ा डेटा हो, आप इस तरीके से आसान तरीके से आप यूज़ करके अपने कंपनी के डेटा मैनेज कर सकते हो। बहुत आसान से आप डेटा को मैनेज कर सकते हो, निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे सीख पा रहे हो स्टूडेंट्स। और हमारे नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।